हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो कल वीडियो टू बी कंटिन्यूड में छोड़ दिया क्योंकि जब आए हम लोग यहाँ पे होटल में वापस तो GoPro एग्जॉस्ट हो चुका था, सबको एग्जॉस्ट हो चुका था, मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं हुआ। और अभी हम लोग सो के उठे हैं सुबह, इट्स द टाइम राइट नाउ इज़ 9:32 एंड सब कोई रेडी है, हम लोग आज चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक लोकेशन में जाएंगे, और दो लोकेशन हम लोग का बचा हुआ है कवर अप करने के लिए, वो हम लोग करेंगे। एंड द लोकेशन इज समवेयर अराउंड 10 to 12 kilometers। मैं शायद अपना बाइक नहीं लूँगा, RC में जाऊँगा विवान का। सो एवरीबडी इज़ हियर प्लानिंग आउट कि दिन के लिए क्या करेंगे एंड ऑल दैट। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर आ, सामने आ, सामने इसको देख रहे हो, इसको देख के लग रहा है कि ये घर इसी का है। इसको देख के ही लग रहा है संदास से बाहर आ रहा है। आप लोग मेरे घर पे आए, बहुत शुक्रिया, फिर से आना, कभी कभी आते रहना, दोस्त लोग को लेके आना, और उधर भी बोल देना कि मेरे घर पे आए। डिस्काउंट मिलेगा ना? डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ब्लॉग से प्रोमो कोड है एक इंस्टेंट फ्लैट 70% ऑफ, रूम रेट है 3000 rupees ओनली, 3000 rupees ओनली। अच्छा, दिले प्रोमो कोड दिले 70% फ्लैट ऑफ, 70% फ्लैट ऑफ। कहाँ गया ये, इसका होटल नहीं है, जाने दो। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं जो गांव में, जो मैं बोल रहा था वहां पे, बेसिकली यहां का लोकल जो हैंडीक्राफ्ट जो बंगाल में फेमस है उस चीज़ का मार्केट है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और विवान एंड प्रेम दे स्टेट बैक, शायन ज्वाइन किया है, वो आगे शिम्पे के बाइक में है। एंड यही है सीन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, होटल जो है, जो कैंप साइट है, वो बहुत ही मतलब रिजनेबल है, क्योंकि हम लोग का जो पैकेज था दैट इज़ 1100 पर पर्सन पर नाइट। तो इसका जो कैलकुलेशन है, 1100 में आप लोगों को मिल जाता है मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। एंड इवनिंग में आपको चाय भी दिया जाता है, तो दो टाइम का चाय और दो टाइम का खाना, एक स्नैक्स 1100 में आपको मिल जाता है। पानी का बोतल अलग है, दैट इज़ 20 rupees डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट शुड आई से, दैट द लोकेशन इज़ रियली नाइस। और इसका जो सबसे खासियत मेरे को ये लगा कि इतना कम प्राइस में ये लोग सब कुछ दे रहे हैं, फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऊपर से इन लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक जंगल के अंदर ऐसा एक कैंप साइट होगा जो इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं कैंप साइट का कुछ कुछ फुटेज अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या कितना खर्चा आ रहा है एंड ऑल दैट। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल छोड़ के, हम लोग जा रहे हैं मार्केट साइड, और अगर हाथ में टाइम रह जाता है तो हम लोग जो खुरीबरी डैम है उसको भी कंप्लीट करके आ जाएंगे। एंड ट्रिप बढ़िया रहा, मतलब थोड़ा हम लोग एग्जॉस्ट फील कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात के टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप ज़रूर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दिन के टाइम पे अभी के लिए टेम्परेचर थोड़ा ठीक है। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ के यहाँ पे पूरा टैन पड़ चुका है, और मैं अगर शर्ट खोल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है टैन का। यहाँ पे एक्चुअली हीट बहुत ज़्यादा होता है दिन के टाइम पे, एंड दिस लोकेशन इज़, आप लोग अगर बंगाल में आते हो, इस जगह पे घूमने के लिए आते हो, आप लोग अगर कैलकाटा से हो, सो द राइट टाइम टू विजिट दिस लोकेशन इज़ ड्यूरिंग मानसून एंड ड्यूरिंग विंटर। तो बारिश के मौसम में या दिसंबर जनवरी के टाइम पे ये एरिया बहुत ही अच्छा है। आई मीन क्या ही बोलें कि हॉस्पिटैलिटी, लोकेशन, पीपल, और जो जो साइट सीन्स का टूर्स है, मतलब आप लोग अगर साइट सीन का टूर लेते हो तो आप लोग को एटलीस्ट 4-5 days हाथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने 2 दिन में जितना कवर करना पॉसिबल हुआ उतना हम लोग ने किए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट,
यहाँ पे जितने भी सारे लोकेशंस है उसके हिसाब से टाइम थोड़ा ज़्यादा हम लोग को चाहिए था, लेकिन सबके पास ऑफिस का छुट्टी एंड ऑल दैट, ये तो मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है सबके लाइफ में, क्योंकि काम हम लोगों को करना पड़ता है। विदाउट वर्क वी कैन नॉट अर्न मनी एंड विदाउट मनी वी कैन नॉट गो फॉर टूर्स। तो बढ़िया रहा, पर हेड कॉस्टिंग हम लोगों का होटल मिला के आया है 2450 रुपीज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेट्रोल चार्जेस है वो हर एक बाइक के लिए अलग है। जैसे मेरा बाइक का पेट्रोल चार्जेस जब मैं घर से निकला था तब 880 रुपीज़ का तेल डलवाया था, क्योंकि मेरा टैंक में ऑलरेडी पेट्रोल था। एंड कल मैंने 11 लीटर का फ्यूल अप कराया, दैट इज़ 1204 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे जो है कैलकटा में 101 करके प्राइस है पेट्रोल का, और यहाँ पे 102.4 करके प्राइस है पेट्रोल का, तो थोड़ा एक रुपये 30 पैसा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो है अफोर्डेबल है, मतलब 5000 के अंदर आप लोग का 3 या 4 दिन का टूर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर बाइक, एंड दैट्स द केस। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, वहाँ पे पहाड़ का रेंज। और एक चीज़ बता देता हूँ कि पुरुलिया एंड एडजेसेंट एरियाज आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, तो आप लोग इस एनी टाइम, मतलब अगर आप आते हो इस लोकेशन को विजिट करने के लिए, आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, एंड नॉट दैट आप लोगों को बढ़िया लगेगा। मतलब डेली लाइफ, हेक्टिक लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ऑल, सबको घर पे बैठे हैं, सबको घर से निकलना है। और जो खासियत है इस जगह का, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, कहीं कहीं पे कोरोना तो घुसा ही नहीं है, तो मतलब मैं यहाँ के लोकल से बात कर रहा था, देसेड यहाँ पे कोरोना का कोई केस है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैक्सीनेशन अभी तक चालू नहीं है, बट प्रोबेबली वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पे खुल चुका है, तो दैट्स वाई द केस इज बहुत जल्द शायद वैक्सीनेशन यहाँ पे भी शुरू हो जाए। और यहाँ पे आने के लिए आपको ई पास या वैक्सीनेशन का मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आई गेस इन फ्यूचर आफ्टर 2-3 मंथ्स जब वैक्सीनेशन फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो जाएगा, तब शायद यहाँ पे ई पास या वैक्सीनेशन का पेपर्स, फर्स्ट डोज सिंगल डोज का पेपर शायद लग सकता है। तो दैट डिपेंड्स, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब डिटेल्स मैं दे दूंगा कि आप कैसे आ सकते हो, कहाँ से आ सकते हो, रूट प्लान एंड ऑल सब कुछ उस वीडियो में रहेगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहो, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था बाइक चलाते हुए, क्योंकि आई वॉज इन्जॉइंग द वाइब, एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं घर जाने से पहले। तो फाइनली जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे अभी चल रहा है सबका फोटोशूट, और ये पूरा जो गांव है स्पेशली इसी चीज़ के लिए फेमस है, चोरीदा ग्राम, सो इसी चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे सब कुछ जो है फेस मास्क एंड ऑल ये सब बनता है। तो मैं एक छोटा सा कोशिश करूँगा सिनेमैटिक लेने का, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा स्टोर है, तो वहाँ पे जाके वीडियोज़ लेना वो मतलब थोड़ा ऑड लगता है कि हम लोग आए हैं, मतलब जो भी है, तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। बट इफ़ यू आर कमिंग हियर, सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि दिस इज़ अ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ बंगाल, तो ये चीज़ को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ना, इस कल्चर के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, सब इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के, अर्निंग्स जुड़े हुए हैं लोगों के। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड बाइंग समथिंग दैट विल हेल्प देम टू होल्ड ऑन विद द कल्चर, टू होल्ड ऑन विद द ट्रेडिशन ऑफ बंगाल।
तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग चुड़ीदा गांव से जो है हम लोग निकल चुके हैं बाहर और फिर से हम लोग जा रहे हैं 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा फॉर खोरोई बेरा डैम, ऐसा कुछ है प्रोनाउंसिएशन मेरे से ठीक से हो नहीं रहा है। तो छऊ डांस जो होता है वो बंगाल का कल्चर है, पुरुलिया का कल्चर है, तो वो देखने के लिए आपको बंगाली मंथ के हिसाब से चैत्र मास में आना पड़ेगा, दैट इज चैत्र मंथ, दैट टाइम यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर कमिंग ओवर हियर इन पुरुलिया एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो 30 लोगों का एक प्ले किया जाता है जिसके लिए चार्जेस है 5000, वो आपके होटल में अरेंज कर दिया जाएगा एंड होटल में बोलने से वो लोग अरेंज कर देते हैं। तो यही था चुड़ीदा ग्राम का स्टोरी एंड यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इन लोगों को फॉर यू नो टू होल्ड दिस लेगेसी, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे काम हो रहे हैं इस गांव के ऊपर ताकि इस कल्चर को, बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल कल्चर को अटूट बंधन में जोड़ा जाए दुनिया के साथ और दुनिया के बहुत सारे जगह पे जैसे कि फ्रांस, रोमानिया, रशिया, यूरोप, अमेरिका, बहुत जगह पे ये छऊ डांस इवेंट्स होते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, बंगाल गवर्नमेंट से सेंड किया जाता है तो वहाँ पे ये इवेंट्स होता है एंड ये इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस है। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि प्रमोशन उस तरीके से नहीं होता है। तो ठीक है, हम लोग अभी जा रहे हैं खोरोई बेरा डैम, वो देखेंगे और फिर हम लोग जाएंगे वापस होटल और चले जाएंगे घर के तरफ। और घर के तरफ जब जाएंगे वी आर प्रोबेबली गोना कवर अप अनदर लोकेशन, तो वो देखते हैं टाइम के ऊपर है कैसे क्या होता है एंड ऑल दैट। तो चलो वीडियो को एंजॉय करते रहो और देखते रहो और मैं अपना डिस्कवर को मिस कर रहा हूँ बट आरसी में तो मज़ा आता ही है बॉस। तो जो मैं बात कर रहा था उन लोगों से, उन्होंने बताया कि एक छोटा मास्क बनाने के लिए, एक छोटा फेस मास्क बनाने के लिए 5 से 7 दिन का टाइम लगता है एंड कभी कभी जब लोग आते हैं नहीं खरीदते हैं तो ये लोग भी अपसेट हो जाते हैं। तो हम लोग ने भी शॉपिंग की है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे है सबके पास ही है और पीछे ईमानदार आ रहे हैं उनके पास भी है। तो राइट नाउ वी आर हेडिंग फॉर द डैम एंड दिस इज खोरोई बेरा, दैट हाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक निकला, खोरोई बेरा डैम। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। ओके इमरान नकीम, चलो चलते हैं। और ये रास्ता गांव के अंदर से है, तो ये जो डैम का लोकेशन है ये चुड़ीदा ग्राम से एग्जैक्ट 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। और ये डैम के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये उतना ज़्यादा विजिटेड लोकेशन नहीं है बाय टूरिस्ट, सो दिस इज़ अ ऑफबीट लोकेशन दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, लाइक रोडवे रोलर्स आर एक्सप्लोरिंग एंड मिस्टर कौन व्लॉग्स इज एक्सप्लोरिंग। आज भी फंबल हो रहा है, सो रहा हूँ फिर भी फंबल हो रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे को पता नहीं कौन सा पेड़ है बट दिस लुक्स मैग्निफिसेंट, लाइक सी द स्ट्रक्चर, मतलब आई गेस पेड़ के ऊपर से कटआउट किया गया है फॉर सर्टन रीजंस मे बी, बट और हो सकता है पेड़ ऐसा ही हो, मतलब को पता नहीं कौन सा पेड़ है बट दिस लुक्स मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल। लोकेशन भी बहुत अच्छा खासा है और सामने है पहाड़, पहाड़ के नीचे ही डैम है तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो जो मेन स्पॉट है जहाँ से चुड़ीदा ग्राम से एग्जैक्ट 8 किलोमीटर एंड उसके बाद 1.5 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा गांव के अंदर से। और ये मेरे को पता नहीं जैसे मैं बोल रहा था कि कौन सा पेड़ है बट दिस लुक्स ब्यूटीफुल मैन। और लोकेशन का तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब देख सकते हो, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द हिल टॉप मैन। तो इस गांव का नाम है बुकुड़ी ग्राम, ग्राम एज इन विलेज बुकुड़ी। दादा डैमटा जाबो कौन दिखे? हाँ अच्छा। और यहाँ पे विश्व बांग्ला का जो गेट है, वेलकम टू खोरोई, इज नो स्पेस ब्रो। खोरोई बेरा इरिगेशन स्कीम, ओके ओके, सो दिस इज द लोकेशन।
जाने।